क्या है बाबूलाल जी? देखिए पहली बात तो मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कार्य स्थगन प्रस्ताव हम सब लोगों ने डाला था, और उसमें विषय एक तो ये था कि स्थानीय नियोजन नीति को लेकर के जिस प्रकार से पिछले दिनों हेमंत सोरेन की सरकार ने जो नियोजन नीति बनाई, यानी एक प्रकार से झारखंड की नौजवानों को छला। पिछले जब इस राज्य में रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, उस सरकार ने साफ साफ कहा था थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नियुक्ति अगले 10 वर्षों तक झारखंड के बच्चों का ही होगा, और साथ ही थर्ड और फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों की नियुक्ति जिला स्तर पर ही होगी। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि जो 15 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं पूर्व से, तो उन सबको सम्मिलित किया जाए। लेकिन आज की वर्तमान सरकार ने सारी चीज़ों को ध्वस्त कर और झारखंड के नौजवानों के साथ छल किया है। पार्टी उसका विरोध कर रही है, सरकार से बार बार मांग कर रही है भैया जो उन्होंने नियोजन नीति बनाई है सरकार इसको वापस करनी चाहिए। और दूसरा जो मामला था कि आप सब ने देखा कि भाई विधानसभा के जो भवन होता है वो लोकतंत्र के वो मंदिर है, और इस मंदिर में और कोई दूसरा मंदिर बने तो यह भारतीय जनता पार्टी को यह बर्दाश्त नहीं। और इसलिए हम सब ने यही कहा कि भाई आप ये जो आदेश कल आपने जारी किया है इसको वापस करो, यही तो मांग है। और जब मांग को नहीं मानते हैं तो स्वाभाविक है कि विधायकों का विरोध होना और लोग विरोध करते हैं। सीएम कह रहे हैं कि मन में रख। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।